दोस्तों आईपीएल 2025 को लेकर मेगा ऑक्शन होने वाला है और सभी फैंस इसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि नीलामी से पहले सभी टीमें अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट भी जारी कर देंगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स के हवाले से। दरअसल दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने 3 ऐसे खिलाड़ियों को फाइनल कर लिया है जिन्हें वो आईपीएल के ऑक्शन से पहले रिटेन करने वाली है। जी दोस्तों आप सभी लोगों को बताते हैं आखिर वो 3 खिलाड़ी कौन से हैं। तो दोस्तों क्रिकेट में सबसे पहले खिलाड़ी हैं सुनील नारायण। जी हाँ दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि सुनील नारायण हमेशा से ही केकेआर टीम के फेवरेट रहे हैं और पिछले सीजन में इन्होंने अपनी गेंदबाजी के साथ साथ बल्ले से भी धमाल मचा के रख दिया था, जिनमें दोस्तों इन्होंने केकेआर के लिए पिछले सीजन में 15 मैच खेले और 6.69 के बेहद शानदार इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने 17 विकेट भी अपने नाम किए थे। वहीं दोस्तों बल्लेबाजी में इन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और मात्र 14 मैचों में 180.74 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 488 रन बनाए थे। सुनील नारायण केकेआर के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी थे। इसके अलावा दोस्तों लिस्ट में दूसरे खिलाड़ी हैं आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल ने बल्लेबाजी में कुछ खास प्रदर्शन भले ही ना किया हो लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने खूब सारे विकेट चटकाए थे। या दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि रसेल ने 14 मैचों में 185 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 222 रन बनाए। हालांकि गेंदबाजी में दोस्तों इन्होंने 19 विकेट चटकाकर चारों तरफ तहलका मचा के रख दिया था। वही दोस्तों लिस्ट में तीसरे खिलाड़ी हैं केकेआर टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर। जी हाँ दोस्तों कोलकाता की टीम अपने कप्तान को रिटेन करने वाली है। इनकी कप्तानी में केकेआर की टीम तीसरी बार आईपीएल की चैंपियन बनी है और एक चैंपियन कप्तान को केकेआर की टीम क्यों ना रिटेन करे। वहीं आईपीएल के पिछले सीजन में इनका प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा था जिसमें दोस्तों इन्होंने 14 मैचों में 351 रन बनाए थे। तो दोस्तों ये 3 वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें केकेआर की टीम 100% रिटेन करने वाली है। अब बस इसकी ऑफिशियल घोषणा होनी बाकी है। तो दोस्तों आप सभी लोग हमें कमेंट बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन 3 के अलावा और कौन से खिलाड़ी केकेआर रिटेन कर सकती है। अपनी राय हमें नीचे ज़रूर दें।